हेलो एवरीवन, लखनऊ रेंटल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आज मैं आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूं उसके बारे में आपको संपूर्ण व विस्तृत रूप में सभी जानकारी मिल पाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको जो घर दिखा रहा हूँ ये पूरब दिशा का घर है और यहाँ पर आपको कम्प्लीटली 3 BHK घर मिल रहा है। इस वीडियो में जिनका नंबर आपको ऑन स्क्रीन दिखेगा वही सर इस घर की रजिस्ट्री करेंगे। सर के पास यहाँ पर 35 लाख रुपए से घरों की स्टार्ट है प्राइस और डिफरेंट साइज़ के घर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर परचेज़ करने के लिए। सबसे पहले आपको रोड बता दूँ, रोड यहाँ पर आपको 27 फिट वाइड यहाँ पर आपको रोड मिल रही है। ये पूरी आपकी गेटेड सोसाइटी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगल बगल काफ़ी घर बने हुए हैं और रोड जैसे कि आप देख रहे हैं एक साइड में ये सारी गाड़ियां खड़ी हैं और बगल में इतनी स्पेस है कि आराम से एक DCM गाड़ी निकल जाएगी। घर का फ्रंट जैसा कि आप देख रहे हैं, घर का ये फ्रंट है और इसमें राइट साइड वाला जो आप घर देख रहे हैं ये अभी हाल ही में सोल्ड आउट हुआ है और कल इसकी धनतेरस वाले दिन इसका गृह प्रवेश हुआ है। तो चलते हैं घर के अंदर। पूरा घर रोड के लेवल से 3 फिट की ऊँचाई पर बना हुआ है और यहाँ पर घर के फ्रंट में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइल्स का यूज़ किया गया है। ये आपका मेन एंट्रेंस गेट है, रैंप जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें स्टेप्स और स्लोप दोनों का ही यहाँ पर काम किया गया है। ये आपका मजबूत लोहे का गेट, इसके ऊपर आयरन सेफ्टी गार्ड से सर ने इसको पूरा कवर कर दिया है। तो चलते हैं घर के अंदर, मैं आपको ये लोकेलिटी का पूरा व्यू दिखा दे रहा हूँ। मेन रोड से जहाँ से 24 आवर्स आपको कन्वेंस मिलेगा वहाँ से हार्डली 100 मीटर का इसका डिस्टेंस है। मार्केट भी यहाँ पर हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये आप लोकेलिटी का एक व्यू देख लीजिए और अगल बगल भी आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए काफ़ी बड़े और यहाँ पर शानदार घर बने हुए हैं और काफ़ी प्राइम लोकेशन में आपको घर खरीदने का बहुत ही सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो चलते हैं घर के अंदर। बात करें पार्किंग एरिया की, तो पार्किंग में आपको बताना चाहूँगा, पार्किंग आपको जो एरिया मिल रहा है कवर्ड एरिया पार्किंग में, इसमें आपकी स्विफ्ट डिज़ायर ब्रीजा सेगमेंट की कोई भी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। पार्किंग में आपको सिंपल POP का वर्क देखने को मिल रहा है। पार्किंग अगर आप चाहें तो घर के अंदर कवर्ड पार्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप घर के बाहर भी इस तरीके से जैसे आप अन्य गाड़ियों को देख रहे हैं इस तरीके से अपनी गाड़ी आप घर के बाहर भी लगा सकते हैं। पार्किंग एरिया के ठीक बगल में जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका वॉशिंग एरिया कम लॉन एरिया है। यहाँ पर टाइल्स का आप देख सकते हैं प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपको वॉश बेसिन सर लगा के दे रहे हैं। 2 टैप्स के यहाँ पर कनेक्शन मिल रहा है, एक आपका समरसेबल से अटैच कनेक्शन है और एक आपका वाटर टैंक से अटैच कनेक्शन है। इन्वर्टर के लिए स्टेयर्स के नीचे आपको ये स्पेस मिल रहा है। सर से बात करके अगर आप इसको वुडन कैबिनेट से, अगर पूरा वुडन पल्ले से, लकड़ी के पल्ले से कवर करवा देते हैं तो इसका एक परफेक्ट लुक आता है। यहाँ पर अगर आप वॉशिंग करना चाहते हैं तो वॉशिंग के लिए यहाँ पर आपको पावर प्लग मिल रहा है, वाटर सप्लाई के लिए 2 टैप्स मिल रहा है। अगर आप वॉशिंग नहीं भी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप सपोज डैट पार्किंग में आपने कार पार्क की, अब कार पार्क करने के बाद अगर आपको अपनी बाइसिकल, बच्चों की बाइसिकल या मोटर बाइक पार्क करनी है तो आप इस साइड में, इस एरिया में आराम से पार्क कर सकते हैं। पूरा घर पार्किंग एरिया से 1.5 फिट की ऊंचाई पे बना हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है वॉशरूम जो कि इंडियन है। सैनिटरी की पूरी फिटिंग्स यहाँ पर हो चुकी हैं, विंडो मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन और यहाँ पर देखिए मॉस्किटो नेट का भी पल्ला यहाँ पर सर ने पहले से ही लगा दिया है। और इसमें वॉशरूम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वॉशरूम सर ने यहाँ पर बाहर इसलिए दिया है, सपोज डैट आपके घर में कोई भी गेस्ट आते हैं तो अगर वो अंदर घर के अंदर एंट्री करके आपके वॉशरूम को यूज़ करते हैं तो घर में प्राइवेसी नहीं रह जाती। इसलिए सर हमेशा ऐसे पैटर्न पर घर बनाते हैं जिसमें कि वॉशरूम ये बाहर की तरफ देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट इंडियन वॉशरूम दिखा दिया है,
आप चलते हैं घर के अंदर और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा मस्किटो नेट के यहाँ पर आपको डोर्स भी मिल रहे हैं जिसमें छोटी बड़ी दोनों ही जाली का प्रयोग किया गया है। बात करें चौखट की हाइट की तो यहाँ पर आपको 8 फिट हाइट की चौखट मिल रही है, काफ़ी अच्छी हाइट की। यहाँ पर आपको विंडो मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। ऊपर आप देख सकते हैं पूरा लटक बीम पर ये घर बना हुआ है। और अब हम चल रहे हैं घर के अंदर। तो जैसा कि हम घर के अंदर चल रहे हैं और ये आपका गेस्ट रूम है, इसमें आपको फुल फॉल सीलिंग मिल रही है और एक वॉल पर यहाँ पर आपको कलरफुल पेंट करके दिया जा रहा है। ये तो आप सामने वॉल देख रहे हैं, ये आपका वॉलपेपर का इसमें कोई वर्क नहीं है, ये आपका कलरफुल पेंट है। और मैं एक साइड में खड़े होकर यहाँ पर आपको गेस्ट रूम का स्पेस दिखाना चाहूँगा। ये आपका गेस्ट रूम का स्पेस है, काफ़ी अच्छी हाइट की विंडो मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। और इसका देखिए काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर स्पेस मिल पा रहा है। आप चलते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे ही हम गेस्ट रूम से अंदर आते हैं तो ये आपका फुल्ली मॉड्यूलर किचन और इसमें आपको सिंपल पीओपी का वर्क देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो मॉड्यूलर किचन आपको मिल रहा है, मॉड्यूलर किचन में आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल रही है कैबिनेट्स में, बास्केट्स में। और यहाँ पर अभी मौके पे चिमनी नहीं लगी है, लेकिन आप जब यहाँ पर घर फाइनल करते हैं तो आपको यहाँ पर चिमनी, सेमी ऑटोमेटिक चिमनी लगा के दी जाएगी। फ्रंट वॉल पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइल्स दी हुई है, सैनिटरी का पूरा वर्क यहाँ पर हो चुका है। और कैबिनेट्स देखिए काफ़ी स्पेशियस यहाँ पर आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं, पूरा हाइड्रोलिक बेस पे है, कहीं पर भी आपको फोर्स करके नहीं बंद करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर ये क्लोज हो जाएंगे। स्पेस देखिए काफ़ी परफेक्ट आपको यहाँ पर कैबिनेट्स में स्पेस मिल रहा है। और नीचे की साइड भी आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपका स्पेशियस बास्केट्स है, डबल मोल्डिंग यहाँ पर ग्रेनाइट का वर्क हुआ है। और गीजर और आरओ के लिए यहाँ पर जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि गीजर आरओ के कनेक्शन के लिए यहाँ पर टैप्स के आपको कनेक्शन मिल रहे हैं। बात करते हैं अगर आपको अपना रेफ्रिजरेटर प्लेस करना है तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस एरिया में आपका रेफ्रिजरेटर आराम से प्लेस हो जाएगा। पावर सप्लाई के लिए ये यहाँ पर आपको सॉकेट्स भी लगा के दिए जा रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ 6 पावर सॉकेट्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं किचन में। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर मॉड्यूलर किचन, गेस्ट रूम, पार्किंग, एक वॉशरूम दिखा दिया है, अब चलते हैं घर के अंदर। तो ये आपका जैसा कि आप देख रहे हैं ये कॉमन लॉबी एरिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए ODS दिया हुआ है। ये जो लॉबी एरिया है ये आपका दोनों ही बेडरूम्स और किचन एरिया से 1.5 इंच की नीचाई पे बना हुआ है, यानी कि अगर बरसात का पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है या आप कभी अपना बेडरूम्स धोते हैं, धुलाई करते हैं, तो ये पूरा पानी यहाँ पर कलेक्ट होके आराम से जहाँ पर ये जाली लगी हुई है यहाँ पर नाली से आराम से पानी की निकासी हो जाएगी। और इसका लेवल बेडरूम से थोड़ा सा नीचे रखा गया है और ये आपका फर्स्ट बेडरूम आप देख सकते हैं, काफ़ी परफेक्ट आपको यहाँ पर स्पेस मिल रहा है। आपके अगर आपको इस वीडियो में कोई भी किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट ओनर का नंबर दे रहा हूँ जो इस घर की रजिस्ट्री करेंगे। तो आपकी किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी रहेगी तो सर उसको बड़ी आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिंपल POP का वर्क देखने को मिल रहा है। इस बेडरूम से अटैच यह आपका वॉशिंग एरिया है, कम ODS एरिया, यहाँ पर देखिए अप टू 5 फिट तक का यहाँ पर टाइल्स का यूज हुआ है। यह आपका ODS एरिया, काफ़ी मजबूत लोहे का जाल प्लस शीट दोनों ही यहाँ पर लगा दी गई हैं मौके पर। यह आपका वॉश बेसिन यहाँ पर लगा के दी जा रही है और यह आपका परफेक्ट स्पेस है
OTS कम वॉशिंग एरिया में, फ्लोरिंग में आप डिफरेंस देख लिए 2 इंच का, यहाँ पर फ्लोरिंग में दोनों ही बेडरूम्स में यहाँ पर अंतर है। जो आपका OTS एरिया की फ्लोरिंग है उससे दोनों ही बेडरूम्स की फ्लोरिंग में 2 इंच का डिफरेंस है। और इधर भी आप देखिए, ये जो वॉशरूम है, वॉशरूम में भी 2 इंच की फ्लोरिंग में डिफरेंस है। ये आपका वेस्टर्न वॉशरूम है जिसको कि दोनों ही बेडरूम से यूटिलाइज किया जा सकता है। और ये आप देखिए, ये आपका काफ़ी स्पेशियस सेकंड वॉशरूम है जो कि वेस्टर्न है। इसमें भी आपको सैनिटरी की पूरी फिटिंग्स मिल रही हैं। ये आपका सेकंड बेडरूम है जो कि मैं अभी आपको लॉबी एरिया से दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिखा दिया है, आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव या नोन पर्सन अगर लखनऊ में डायरेक्ट ओनर की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो परचेज करने के लिए, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। सर के पास आपको 35 लाख रुपये से 60 लाख रुपए तक के डिफरेंट साइज़ के घर मिल जाएंगे परचेज करने के लिए। तो जैसा कि मैं आ चुका हूँ सेकंड बेडरूम में, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस सेकंड बेडरूम में मिल रहा है और सिंपल POP का यहाँ पर वर्क मिल रहा है। बेडरूम में जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आपका डोर है, इस डोर से अटैच आपको OTS एरिया मिल रहा है और डोर के ठीक बगल में आपको विंडो मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन, क्योंकि एक घर में वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी रहता है। ये बेडरूम भी आपके OTS एरिया एज वेल एज सेकेंड बेडरूम को अटैच करता है। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ और फर्स्ट फ्लोर से भी आपको लोकेशन का एक व्यू दिखाते हैं। और जैसे कि अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, ये आप देखिए फर्स्ट फ्लोर की ये आपकी कवर्ड बालकनी है। सेकेंड फ्लोर तक का आपको यहां पर स्टेयर्स बना के दी जा रही हैं। ये आप देखिए कवर्ड बालकनी, और इस बालकनी को भी आप प्रॉपर्ली अगर देखा जाए, तो यहां पर अगर एक कर्टन रॉड आप लगा देते हैं तो बालकनी का स्पेस देखिए काफी परफेक्ट है। इसको भी आप पर्सनल यूज में यूज कर सकते हैं। और जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिखाना चाहूंगा, ये आपका फर्स्ट वॉशरूम जो कि वेस्टर्न है। सैनिटरी की पूरी फिटिंग्स हो चुकी हैं, विंडो आपको मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। और अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। तो जैसे कि आपको मैंने ग्राउंड पे दिखाया कि आपको 8 फीट हाइट की चौखट के यहाँ पर चौखट का यूज़ हुआ है और मस्किटो नेट के डोर्स भी यहाँ पर आपको लगा के दिए जा रहे हैं। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में। और फर्स्ट फ्लोर के ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। इस बेडरूम में भी आपको जैसा कि आपने ग्राउंड पे देखा था वैसे ही यहाँ पर भी आपको विंडो मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। इसमें मस्किटो नेट, ग्लास ग्रिल, तीनों ही चीज़ों का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। ये आप देख सकते हैं जो आपकी चौखट है, चौखट में अपर केस में अपर विंडो में यहाँ पर मस्किटो नेट का पल्ला लगा हुआ है, ग्रिल दी हुई है और ग्लास का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है। और यहाँ पर छत पे आपको वॉशिंग के लिए यहाँ पर टैप का कनेक्शन मिल रहा है। OTS जैसा कि आप देख सकते हैं शीट से पूरा कवर्ड है। अगल बगल आप देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी बड़े घर बने हुए हैं। रेडी टू मूव ये सोसाइटी है और आप यहाँ पर तुरंत इस घर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ और सेकंड फ्लोर से भी आपको एकदम परफेक्ट व्यू आ जाएगा पूरे एरिया का।
और कभी आप इन फ्यूचर सपोज डेट फर्स्ट फ्लोर पीछे तक बनवाते हैं तो सेकंड फ्लोर तक का आपको स्टेयर्स नहीं बनवानी पड़ेंगी। यह आपका सेकंड फ्लोर का टेरेस है, और लोकेलिटी जैसा कि आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं इस घर के साइज की, तो 900 स्क्वायर फीट टोटल प्लॉट एरिया है, ईस्ट फेसिंग है, 27 फीट की वाइड आपको यहाँ पर रोड मिल रही है, रेडी टू मूव यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। और ये लोकेलिटी फिर से दिखा दूँ आपको, कृष्णा नगर में जब आप आते हैं तो जो आपका नया वाला ओवर ब्रिज बन रहा है रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, वो ब्रिज जहाँ पर उतर रहा है एचपी के पेट्रोल पंप पर, एचपी पेट्रोल पंप से जैसे ही आप आगे मात्र 200 मीटर आप आगे आएंगे, उसके बाद आपका लेफ्ट साइड पे गोकुल एस्टेट है। गोकुल एस्टेट के अंदर गेट से आपको सीधे आना है और हार्डली 200 मीटर पर ये घर राइट साइड पे पड़ता है।